खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। शाम के 7 बज रहे हैं और देश के एकमात्र चुनावी बुलेटिन में आपका स्वागत है। बुलेटिन में सबसे पहले बात बीजेपी में बवाल की। महाराष्ट्र में नामांकन का आखिरी दिन था आज और जिन बड़े नेताओं को टिकट नहीं मिला है उनके समर्थकों ने आज कई जगह बवाल किया। लात घूसों और थप्पड़ों से एक शख्स की पिटाई की जा रही है। कार में बुरी तरह तोड़फोड़ कर दी गई। और तो और, कार के बोनट पर सिर पटक कर विरोध जताया जा रहा है। मुंबई के घाटकोपर में यह सारा हंगामा महाराष्ट्र में बीजेपी के उम्मीदवारों की आखिरी लिस्ट आने के बाद हुआ है। बीजेपी ने मुंबई के घाटकोपर ईस्ट से प्रकाश मेहता की जगह पराग शाह को उम्मीदवार बनाया। टिकट मिलने के बाद जब पराग शाह प्रकाश मेहता से मिलने उनके घर गए तो प्रकाश मेहता के समर्थक बेकाबू होकर गुंडागर्दी पर उतर आए। प्रकाश मेहता के समर्थकों ने पहले तो पराग शाह की गाड़ी तोड़ डाली, फिर उसके बाद जब वो अपनी गाड़ी के नजदीक पहुंचे तो उनके सुरक्षा कर्मियों की पिटाई कर दी। जिस पराग शाह को टिकट दिया गया है वो फिलहाल मुंबई महानगर पालिका में पार्षद हैं और ये कहा जाता है कि वो सबसे अमीर पार्षदों में से एक हैं। प्रकाश मेहता मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं और फडणवीस सरकार में आवास मंत्री भी रहे हैं। टिकट कटने के बाद प्रकाश मेहता निर्दलीय लड़ने के संकेत दे रहे हैं। तो अपक्ष चुनाव लड़ेंगे। आप ऐसे प्रश्न न पूछा करें कि जिसका निर्णय मीडिया के सामने नहीं लिया जाता। अब गोलीबली चली। साल 2014 के चुनाव में मुंबई की बोरीवली सीट से जीतने वाले विनोद तावड़े की जगह बोरीवली से बीजेपी ने सुनील राणे को उम्मीदवार बनाया है, जिसके विरोध में विनोद तावड़े के समर्थक सड़कों पर उतर आए। टिकट न मिलने से विनोद तावड़े नाराज तो नजर आ रहे हैं, लेकिन अब भी पार्टी के साथ वफादारी से काम करते रहने की बात कर रहे हैं। मेरी कुछ गलती है तो स्वाभाविकता मैं आत्मपरीक्षण करूंगा, उसको करेक्ट करूंगा, क्योंकि हम तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक है, विद्यार्थी कार्यकर्ता है, तो जो काम दिया जाएगा वो जरूर करेंगे। जो जिम्मेवारी दी जाएगी वो काम करना है, ये मानसिकता पूरी है। महाराष्ट्र से बीजेपी की लिस्ट से जिस एक और दिग्गज का नाम गायब है वो नाम राज पुरोहित का है, जिन्हें महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री का दर्जा हासिल है। उम्मीदवारों की लिस्ट से एकनाथ खड़से का नाम भी गायब है, जिन्हें दाऊद कनेक्शन के चलते मंत्री पद से हटाया गया था। सियासी जानकार दिग्गजों के टिकट कटने के पीछे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का अपना स्वार्थ भी बता रहे हैं। खड़से और तावड़े दो ऐसे नेता हैं जो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को आगे जाकर सीएम पद पर बने रहना मुश्किल कर सकते हैं। तो दिग्गजों के टिकट कटने के बाद महाराष्ट्र बीजेपी में बवाल मचा है, लेकिन बवाल कांग्रेस में भी है। हाल तो यह है कि चुनाव से पहले ही कांग्रेस का रेस से बाहर होने का दावा किया जा रहा है और यह दावा विरोधी पार्टी के लोग नहीं कर रहे बल्कि कांग्रेस ही कर रहे हैं। क्या कांग्रेस पार्टी दो खेमों में बट गई है? क्या राहुल के करीबी लोगों का पैकअप हो रहा है? क्या चुनाव से पहले ही कांग्रेस पार्टी का खेल खत्म हो गया है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव से पहले ही कांग्रेस के अंदर चल रही गुटबाजी खुलकर सबके सामने आ गई है। सारी लड़ाई टिकट बंटवारे को लेकर छिड़ी है, जो अब सड़क तक पहुंच गई है। जंग इतनी तीखी हो गई है कि बगावत पर उतरा कोई नेता चुनाव से पहले ही कांग्रेस की हार की भविष्यवाणी कर रहा है।
और कोई अपनी पार्टी पर ही टिकट बेचने के गंभीर आरोप लगा रहा है। 3-4 सीटें छोड़ दीजिए तो शायद हर जगह हमारी जमानत जब्त हो सकती है। एक एक विधानसभा सोना की कहते 5 करोड़ में बेचती सोना लो। सबसे पहले बात मुंबई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष संजय निरुपम की, जिन्होंने अपने पसंद के उम्मीदवार के लिए सिर्फ 1 सीट मांगी थी, लेकिन उनकी बात को ठुकरा दिया गया। 1 सीट के लिए आग्रह किया था, जो यहाँ बैठे हैं ये सीट वर्सोवा की सीट, कि यहाँ मेरी पसंद का एक कैंडिडेट दीजिए। बावजूद इसके जो फैसला किया गया वो निश्चित तौर पर 2-3 संकेत देता है। जो लोग राहुल गांधी से जुड़ करके पार्टी में दिन रात काम कर रहे थे, ऐसे तमाम लोगों को सिस्टमेटिकली उनको महत्वहीन करना, ये एक षड्यंत्र चल रहा है दिल्ली में। संजय निरुपम ने आने वाले चुनाव में प्रचार करने से मना कर दिया है, साथ ही विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार की भविष्यवाणी भी कर दी है। अब सीधे 24 अक्टूबर को मिलूंगा मैं, जब रिजल्ट आएगा तो चाहूंगा कि आपसे मिलूं और तब बताऊं। अब क्या बताऊंगा ये भी बता देता हूं। मुंबई में जिस तरीके से कैंडिडेट फाइनलाइजेशन हुआ है, 3-4 सीटें छोड़ दीजिए तो शायद हर जगह हमारी जमानत जब्त हो सकती है। उधर हरियाणा में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अशोक तंवर पार्टी पर लगातार टिकट बेचने के आरोप लगा रहे हैं। अशोक तंवर ने अपने पसंद के 15 उम्मीदवारों के लिए टिकट मांगे थे, लेकिन एक भी नहीं मिला। अशोक तंवर ने कल विधानसभा चुनाव के लिए बनी कई समितियों से भी इस्तीफा दे दिया। हरियाणा कांग्रेस कहीं ना कहीं वो जो है कांग्रेस से हुड्डा कांग्रेस बनती हुई नजर आ रही है, और जो जिस तरीके से टिकट वितरण होना चाहिए था वो इसमें दिखाई नहीं देता है। बीजेपी कांग्रेस में चल रही इस बगावत पर मजाक उड़ा रही है और कह रही है कि कांग्रेस पार्टी में म्यूजिकल चेयर का खेल चल रहा है। कांग्रेस पार्टी में म्यूजिकल चेयर का गेम चल रहा है, हर प्राणी जो है वो नए पॉलिटिकल पड़ाव की तरफ पलायन कर रहा है। अब ये जो जब नेतृत्व में कंफ्यूजन हो और पूरी तरह से नीतियों में डिवीजन हो तो यही होता है। महाराष्ट्र और हरियाणा में पिछली बार कांग्रेस पूरी तरह हारी थी, लेकिन इस बार। और अब बात महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस की। देवेंद्र फडणवीस ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन से पहले उन्होंने नितिन गडकरी से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद भी लिया। तो महाराष्ट्र में आज नामांकन का आखिरी दिन था और आज महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी अपना नामांकन दाखिल किया है। देवेंद्र फडणवीस ने नामांकन दाखिल करने से पहले नितिन गडकरी का आशीर्वाद लिया। रथ पर सवार होकर सीएम देवेंद्र फडणवीस नामांकन के लिए निकले, साथ में केंद्रीय मंत्री और नागपुर से ही सांसद नितिन गडकरी भी थे। हजारों की संख्या में समर्थकों का हुजूम सीएम के साथ चल रहा था। नामांकन दाखिल करने के बाद फडणवीस ने मीडिया से बात की और जीत का दावा किया। महाराष्ट्र की जनता का, नागपुर की जनता का हमें आशीर्वाद है और मेरा विश्वास है पिछले 5 वर्षों में महाराष्ट्र में जो कार्य हुआ है, जिस प्रकार की एक सकारात्मक लहर है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, रिपाई, ये जो हमारी एक बड़ी युति है, ग्रैंड अलायंस है, ये बहुत अच्छे वोटों से जीतेगा। इससे पहले सीएम पत्नी के साथ नितिन गडकरी के घर गए, वहीं पर उन्होंने पूजा की और फिर गडकरी के परिवार ने फडणवीस का मराठी अंदाज में स्वागत किया। इस दौरान नितिन गडकरी के साथ ही भूपेंद्र यादव और बीजेपी के कई बड़े नेता भी मौजूद रहे। फडणवीस नागपुर से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। सुबह सुबह पूर्व सीएम और कांग्रेस के नेता भूपेंद्र हुड्डा ने रोहतक में अपने घर पर हवन पूजन किया। इसके बाद परिवार के साथ हुड्डा नामांकन के लिए निकले। बिना किसी तामझाम के रोहतक के सांपला में हुड्डा ने नामांकन दाखिल किया। हुड्डा गढ़ी सांपला सीट से कांग्रेस को उम्मीदवार। नामांकन के बाद एबीपी न्यूज से बात करते हुए हुड्डा ने पार्टी की जीत का दावा किया। लोगों का साफ रुझान है कांग्रेस की ओर देख रहे हैं और जो ये सरकार, जो विफल सरकार है 5 साल से, इसकी विफलताएं और जो हमारी उपलब्धियां थी उनको तोल रहे हैं और तोल के फैसला किया कांग्रेस समर्थन देंगे।